देश भर में बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा और बाल कल्याण पर क्षेत्र संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से उत्तर भारतीय राज्यों, मध्य भारतीय राज्यों और पश्चिम भारतीय राज्यों की संगोष्ठी दिल्ली, भोपाल और मुंबई में संपन्न हो चुकी है। अब इसको लेकर पूर्वी भारतीय राज्य, जिसमें पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उड़ीसा शामिल है, उसके संगोष्ठी का आयोजन 30 जुलाई को सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड रांची में किया जा रहा है। इस संगोष्ठी में बच्चों के हित में सर्वोपरि रखते हुए समाज के निर्माण के लिए भारत सरकार की ओर से बीते वर्ष में बनाई गई नीतियां, कार्यक्रमों और नवाचारों के लिए बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार ने यह तय किया कि देश भर में 7 स्थानों पर वत्सल भारत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को इसकी जिम्मेदारी दी गई। इसी कड़ी में पहला कार्यक्रम 2 जुलाई को उत्तरी क्षेत्र के राज्यों के लिए दिल्ली में आयोजित हुआ, 9 जुलाई को मध्य क्षेत्र के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का कार्यक्रम भोपाल में आयोजित हुआ, देश के पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों का वत्सल भारत कार्यक्रम 22 तारीख को मुंबई में आयोजित हुआ। उसी कड़ी में कल रांची के दरभंगा हाउस BCCL का जो ऑडिटोरियम है, वहाँ पर देश के पूर्वी क्षेत्र के राज्यों का, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इन 4 राज्यों का ये वत्सल भारत कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में इन 4 राज्यों के 115 जिलों के प्रतिनिधि भाग लेने वाले। झारखंड बिहार की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए News by Scope अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से News by Scope ऐप। धनबाद में मुहर्रम को लेकर जिले के सभी थाना क्षेत्र में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जिले के चप्पे चप्पे पर नजर बनाते नजर आए। सुरक्षा व्यवस्था की मद्देनजर सभी थाना क्षेत्र अंतर्गत सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। विभिन्न जगहों पर अग्निशमन की गाड़ियां और एम्बुलेंस भी तैनात किए गए थे। SDM प्रेम तिवारी ने मुहर्रम को सद्भावपूर्ण और शांति माहौल में जुलूस निकालने की उन्होंने लोगों से अपील भी की थी। मुहर्रम को लेकर किस तरह की व्यवस्था है जिला प्रशासन की और किस तरह से कंट्रोल रूम काम कर रहा है? कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहा है और सभी जगह फोर्स मजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट है, सारी तैयारियां हैं, हम लोगों की शांतिपूर्ण ढंग से मुहर्रम मनाया गया। अभी से कहीं कुछ संदेश नहीं आया? नहीं, कहीं से कोई संदेश नहीं, शांतिपूर्ण ढंग। कुछ अपील करेंगे जो अखाड़ा वाले लोग? सभी शांतिपूर्ण ढंग से मनाए अपना, सभी लोग। झारखंड बिहार की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए News by Scope अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से।